उतार अपने वस्त्र। अरे उतार, इधर छाती कहाँ है? चल इधर, आ इधर, छोड़ दे मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा गिरधारी, हे कृष्ण, खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे।
इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम यह घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। हे ताश्री, हे महाराज, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, जो नहीं देखना था वो तो देख चुके, आप द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। एक घायल आत्मा, इस राजघराने की घायल मर्यादा आपके सामने एक प्रश्न लेकर आई है, और इस समय इस भरी सभा में अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाए रो रही है। कृपया उसके प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। आप सभी धर्म के ज्ञानी हैं, और द्रौपदी के प्रश्नों का संबंध धर्म ही से तो है। धर्म के प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है, और ठीक उत्तर न देना तो पूरा झूठ है ही। यह तो बताइए, क्या आप लोग अपने सिर आधे झूठ का आरोप लेंगे या पूरे झूठ का? क्योंकि पूरा सच बोलने का साहस आज हम में से किसी को भी नहीं है। फिर भी हम चुप तो नहीं रह सकते, हमें द्रौपदी से इतना तो कहना ही पड़ेगा। क्या बिलखती हुई द्रौपदी, उठ, अपने आंसू और अपने अपमान को समेट कर किसी और सभा में जा, क्योंकि यह सभा तो मृतक लोगों की सभा है, मृतक लोगों की सभा है। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसकी स्वयं अपने घर में पितामह ज्येष्ठ पिताश्री आचार्य द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी उस नारी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया है। गुरु जीवन प्रणाली में ये कोट कहां से आ गया कि वह चुपचाप बैठे अपनी कुल वधु के चीरहरण का यह भयानक दृश्य देखते रह गए? आप सब सुने, इस निर्लज और कायर से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी पंचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधू आप सबको शाप देती है कि नहीं। पुत्री, गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच
बीच सभा में आ, जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान।